नमस्कार, मैं मुकेश राणा, डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आप देख पा रहे हैं कि पूरे पंचायत की जनता और तमाम ग्रामीण जो है यहाँ पर नेमत साहब के लिए यहाँ पर सब आ चुके हैं। अभी ब्लॉक कार्यालय से नामांकन दे करके ये निकले हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनका संकल्प पत्र और क्या है इनका इरादा, क्यों आखिर ये मुखिया बने रहना चाहते हैं। सर, पहले पूरी तरीके से अपना परिचय दीजिए। मोहम्मद नेमत अंसारी, पिता का नाम मोहम्मद सुलेमान अंसारी जी, ग्राम पिपरा परसाइन टोले रामनगर। क्या लग रहा है सर कि पंचायत में 5 सालों में किसी तरह की कोई कमी रह गई है कि आप मुखिया बनना चाहते हैं? नहीं है, 2001 में हमारे अब्बा थे जी, 6 में भी बने, 10 साल हम लोगों ने जो काम किया, हमारे अब्बा जो काम किए वो बहुत अच्छा किए। इधर जो लोग बने हैं उतना हमको नहीं लगता है कि लोग विकास का काम कर पाए हैं। एक पंचायत के गार्जियन होने के नाते आप चूंकि अभी युवा हैं, क्या लगता है इतना बड़ा गार्जियन वाला बोझ जो है किस तरीके से आप निभा पाएंगे? हम अब्बा के साथ रहे, उनसे जो सीखे तजर्बा काम आएगा। तो क्या लगता है कि आपको यहाँ पर जितना जन समर्थन देखने को मिल रहा है और जन सैलाब उभरा हुआ पूरे पंचायत का, पूरी जनता आपको सहयोग करके मुखिया बना देती है, तो आप लोगों का सबसे पहला काम क्या होगा? जो भी विकास का काम होगा सरकार द्वारा हम लोग को जो मिलेगा उसको सही से पंचायत का विकास करने में, चाहे किसी क्षेत्र में हो, पेंशन में हो, चाहे जो भी मिलेगा, हम लोग का पावर मिलेगा, उसको अच्छा से निभाएंगे। सर क्या कहेंगे आप, मुखिया जी ने जो कहा है, क्या लगता है पूरी तरीके से पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे पंचायत की जनता को एक साथ लेकर चलेंगे? हाँ, चल सकते हैं। पूरे पंचायत को एक साथ लेकर चलना इनका पूरा कर्तव्य होगा, है ना। और जो नल जल हो या किस तरह का कोई जो योजना आया ब्लॉक से वो धरातल पे काम नहीं हो पाया, उनको ये करेंगे। पूर्व पहले 10 साल में ये मुखिया मिलकर काम किए थे, अच्छा काम किए थे, लेकिन बाद में इन लोगों को मौका नहीं मिल पाया। लेकिन इस बार जो भी काम है, नाला मौका देना चाहते हैं, पूरे मौका देना चाहते हैं, पूरी तरीके से पूरे जनता सपोर्ट कर रही है जी। चाचा, क्या लगता है? क्या लगता है कि जो अनुभव इनके काम करने का रहा है वो अनुभव काम आएगा और पूरी तरीके से पंचायत को पूरी जनता को एक साथ लेकर चल पाएंगे? एक साथ चल पाएंगे, चल रहे हैं, प्रतिनिधि नहीं है फिर भी चल रहे हैं, और आपके सामने वादा है और पूरे जनता के सामने वादा है कि सबको एक साथ लेकर के चलेंगे और एकदम साफ सुथरे ढंग से विकास करेंगे। इसके लिए कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं, बहुत हम मोहम्मदन हैं, लेकिन बहुत हमारे पास हमारे पंचायत के हिंदू लोग हैं, एकदम सभी जगह हमारे लिए एकदम पूरी तरीके से। तो जनता जैसे तैयार है, आप भी पूरी तरीके से तैयार हैं? पूरी तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए और ताज़ा समाचार के साथ। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ मैं मिंदर गाती, सीधा चलते हैं पंचायत के अंदर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।